खबर चमोली से है, जहां 12 सूत्री मांगों को लेकर कपीरी विकास संघर्ष समिति के लोगों ने कर्णप्रयाग तहसील में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कर्णप्रयाग ब्लॉक के अंतर्गत दर्जनों गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इस क्षेत्र को मुख्य बाजार से जोड़ने वाली कई सड़कें सरकारों ने अनदेखी व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से अधर में लटकी हुई है। इसके तहत ही बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर लोगों ने तहसील परिसर में जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा। उन्हें चेतावनी दी और अगर 15 दिनों के अंदर हमारी 12 सूत्री मांगे नहीं मानी गई तो आगामी लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय जनता मतदान का बहिष्कार करेगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। विकास संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी चमोली को एक उप जिलाधिकारी महोदय कर्णप्रयाग के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। और वो मूलभूत सुविधाएं हमारे क्षेत्र में नहीं है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे हैं और जिनके क्षेत्र के जनता के बहुत लंबे समय से मांग करते आ रही थी। हमने एक ज्ञापन दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर हमारी इन मांगों का निस्तारण नहीं किया गया है तो आगामी लोकसभा चुनाव का सारे क्षेत्र के बूथों पे चुनाव बहिष्कार किया जाएगा और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी।